राम जी, भीमराव, पुरंजन, तुम यहाँ? झूठी खुशी दिखाने आए हो? नहीं राम जी, कोई झूठी खुशी नहीं। तुम मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हो ना, तो मैं भी तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ। इसलिए जब तुम रात में सबसे छुपकर मुझसे मिलने के लिए आए थे ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। शायद तुम्हें नहीं पता है, मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। पूरी रात मैं सोचता रहा और ये प्रार्थना करता रहा कि तुम और तुम्हारा परिवार बस सतारा छोड़कर ना जाए। देखो पुरंजन, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। बहुत बड़ी कीमत चुका कर हम सतारा में रुके हैं, इसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। अंदाजा तो तुम भी नहीं लगा सके राम जी, कि तुम्हारा ये सबसे अच्छा दोस्त पुरंजन अचानक से तुम सबके खिलाफ क्यों चला गया। मतलब क्या हुआ था? क्षमा कर दो राम जी, मैं बहुत डर गया था। मैं खुद को बचाने के लिए तुम सबके खिलाफ चला गया था। लेकिन हुआ क्या था? विश्वास करो, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं। धन्यवाद पुरंजन काका, जो आपने हमें मारने की कोशिश की, परंतु हम आपको जेल नहीं भेजेंगे। लेकिन आपको हमारे लिए कुछ करना होगा। मुझे क्षमा कर दो राम जी, मैं जीवन भर तुम्हारी बहन को अपनी बहन मानता रहा, उन्हें दीदी कहता रहा, और मैंने उनके लिए ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि उनको ये सब करना पड़ा। मुझे माफ कर दो राम जी। कभी सुहागन नहीं बनी, लेकिन लेकिन आज विधवा जरूर बन गई। आपके पति मर चुके हैं, इस विधवा की साड़ी को पहनकर आप भैया के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूर्ण कर दीजिए। आप लोग देख क्या रहे हो? तोड़ दो दरवाजा और इस पिद्दी भीमराव की बुआ को खींच कर बाहर ले आओ। ए बुढ़िया, ये समझ नहीं आ रहा क्या? ये पूरा बवाल तेरी कारण ही हो रहा है। ये लोग यहीं बैठे रहेंगे, भूखे प्यासे अगर किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी आपकी होगी राम जी काका। मेरी बुआ कुछ नहीं करेंगी, आप कृपा करके यहाँ से जाइए। फिर क्यों ना भीमराव, तुम और तुम्हारा परिवार इस गाँव को छोड़कर चला जाए। हम ये सतारा छोड़कर चले जाएंगे, कम से कम मेरी बुआ को ये तो नहीं करना पड़ेगा ना, जो आप सब उनसे जबरदस्ती करवाना चाहते हैं। ये तुमने सही नहीं किया। लड़ाई विचारों की थी, अलग अलग दृष्टिकोणों की थी, लेकिन साजिश के तहत। साजिश?
किस साजिश की बात कर रहे हो? अच्छा तो पुरंजन काका के साथ क्या किया आप लोगों ने? अच्छा तो ये नहीं पता चला कि वो क्या करने आया था? कोई जान लेने आए तो बदले में हम उसे शांत भी करा सकते हैं। साजिश नहीं करनी चाहिए थी, चले जाते पुलिस कप्तान के पास, ले लेते जान के बदले जान काका की। लेकिन ऐसे किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए था, मजबूर करना गलत है और ये आपको शोभा नहीं देता है। नहीं वाला, जब हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ते हैं ना तो सही गलत वाली लकीर बहुत पतली हो जाती है। जीत की जरूरत के सामने उचित और अनुचित में अंतर करना हर बार संभव नहीं होता है, ये तुम्हें समझना होगा। गलत समझा रहे हैं आप, मैं भले ही कई मुद्दों पर भीम के खिलाफ हूँ लेकिन भीम के इस बात का कायल मैं भी हूँ कि चाहे जो हो जाए भीम सही गलत के बीच की महीन से महीन लकीर को भी मानता है। भीम की इतनी चिंता अचानक से कैसे हो गई? कहीं तुम पाला तो नहीं बदलना चाहते हो? भीम मेरा भाई है और मुझे अपने परिवार की चिंता होगी। मैं कल पूरी रात परेशान था कि कहीं मेरा परिवार सतारा छोड़कर तो नहीं चला जाएगा, लेकिन अब मुझे संतोष है और अब भीम यहीं रहकर लड़ाई लड़ेगा तुम सब लोगों से भी और मुझसे भी। आइंदा से वैचारिक लड़ाई लड़िएगा, साजिश नहीं। रंजन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे कैसे कोई मुकदमे में फंसा देता? कैसे बताता, तुम और भीम न्याय के इतने पक्षधर हो कि मुझे लगा कि तुम दोनों ही मुझे थाने पहुंचा दोगे। हाँ पहुंचा देते, लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि वही छोड़ देते? बरनिन काका, मुझ में बाबा में कोई दिक्कत है क्या? कोई हमारे प्रेम को नहीं समझता, ना ही बुआ समझी, ना बाला भैया समझते हैं और ना ही आप। हम सब आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं भी तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ, बस तुम सबकी तरह दृढ़ नहीं हूं ना, इसलिए फैसला लेने में थोड़ी गलती हो जाती, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। देखो पुरंजन, तुम्हें जब भी कभी फैसला लेने में दुविधा हो तो हमेशा अब अपने करीबी लोगों से मिलकर विचार विमर्श किया करो, गलतियां होने की संभावना कम होती है। हाँ आगे से याद रहेगा। भीम, एक बात और, तो अक्सर कहता है ना कि मैं अपने जात के लोगों के लिए ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और जब भी मैं किताब लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा वैसा लिखूंगा, और तू हमेशा अपनी कॉपी में कुछ ना कुछ लिखता रहता है ना, तो ले ले ये कॉपी और लिख लिख के हर लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, लिख हर लड़की को पैसा कमाना चाहिए, उन्हें इतना सक्षम होना चाहिए कि ससुराल और मायके के अलावा वो कहीं भी जी सके कहीं भी रह सके। आज मेरे मायके में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच सोच के ऐसी कितनी औरतें हैं जिन्हें जब ससुराल से निकाला जाता है और मायके में भी आसरा नहीं मिलता तो वो क्या करती होंगी, कहाँ जाती होंगी, फिर यही ढोंगी समाज
उन औरतों से जबरदस्ती विधवाओं के संस्कार कराता होगा और उन्हीं विधवाओं से व्यापार कराता होगा। और वो जब किसी लायक नहीं रहती तो उनसे भीख मंगवाई जाती होगी। आज अगर मैं सक्षम होती तो मैं भी ससुराल छोड़कर मायके कभी नहीं आती। मैं खुद कमाती और खुद जीती। और आज ये सब नहीं होता जो हो रहा है। मुझ पर कोई दबाव नहीं डालता ये सब करने के लिए, और ना ही मेरी वजह से मेरे भाई भतीजे पे ये दबाव डाला जाता कि वो सातारा छोड़कर चले जाए। लिख भीम, लिख कि हर औरत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। लिख कि औरत मायके में रहे या ससुराल में, उसे उसका हक मिलना चाहिए। चूल्हा चौका संभालने वाली औरतें अब पढ़ाई करेगी, हैं? कल से पढ़ लिख कर ये हमारे ही सर पे बैठेगी। मैं गांव की लड़कियों से कहूंगा कि वो पढ़े और आके खड़ी हो जाए आप सबके बराबर। श्री के गले में जिस पल से मंगलसूत्र पहनाया जाता है उसी पल से श्री अपने पति की दासी हो जाती है। इस कन्या को देवदासी बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। नहीं नहीं, ऐसा मत। ये वादा रहा भीमराव का, अगर कभी मैंने ऐसी कोई किताब लिखी तो ये सब मैं अवश्य लिखूंगा। हिस्सेदारी भी तय करूंगा औरतों की। व्यक्ति तीन तरीकों से टूटता है, धन से नहीं। भीम में लालच नहीं है इसलिए वो धन से नहीं टूटेगा। तो दूसरा तरीका है बल से। नहीं, वो बहुत मजबूत है और वो किसी परिस्थिति या मजबूरी के हिसाब से निर्मित नहीं है बल्कि उसकी प्रकृति ही ऐसी है। और जिन लोगों की प्रकृति मजबूती हो उन्हें तोड़ना मुश्किल होता है, बल्कि मैं तो कहूंगा नामुमकिन होता है। फिर तो सिर्फ एक ही तरीका बचता है। क्या? हम सब मिलकर भीमराव को पागल बना दें। उसका दिमाग उसकी असली ताकत है और वो ही उसकी कमजोरी बन सकता है। भीम भावुक है और उसकी भावुकता ही उसकी कमजोरी बनेगी। लेकिन ये होगा कैसे? बताते हैं। बाबा,
हमें कोई काट निकालनी पड़ेगी। बुआ से समस्या जोड़ी गई और इतना दबाव डाला गया कि उसका हल उनके मन मुताबिक ही हुआ। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे ढूंढो इस समस्या का हल। कोई तो सीरा मिले जिसे पकड़कर इस गुत्थी को सुलझा सकूं। क्यों मंदिर जाने की बात ही करें और फिर क्यों अगर कोई रोके तो उससे उलझे। पढ़ना लिखना अमीर लोगों का काम है, जिनका भविष्य सुरक्षित होता है उनके लिए यह सब एक नाटक है। छोटी जात का कोई भी व्यक्ति राह चलते समय अगर ऊंची जात के लोगों के सामने आ जाए, या तो वो रास्ता बदल ले या राह छोड़कर सर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए। फिर ठीक है, आप अपने रास्ते पर चलिए और हम अपने रास्ते पर चलेंगे। अरे लेकिन क्या हुआ? चलिए। क्या हुआ क्या? चलिए आप। क्या हुआ? आनंद भैया, आपको वो कहानी याद है? कौन सी कहानी? जिसमें एक जंगल में रहने वाले भालुओं की ताकत बढ़ गई थी और शेर को अपने अस्तित्व पर खतरा दिखने लगा था, तो वो भालुओं की शक्ल लेकर उनके पास गया और वहाँ का राजा बन गया। और फिर धीरे धीरे वो भालुओं की एकता को तोड़ने लगा। हाँ, लेकिन इतनी रात को तो ये कहानी याद क्यों कर रहा है? मैंने बहुत सोचा तो मुझे लगा कि गोपाल भालू की शक्ल में वो शेर तो नहीं है। हाँ, हो सकता है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा भीम? पता चलेगा, बस आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? और अपने परिवार के साथ गद्दारी तो नहीं की? नहीं नहीं, अपने दिल की बात सुनना गद्दारी नहीं होती है। लेकिन रंजन काका के साथ जो हुआ वो भी तो सही नहीं था। बाला भैया, एक काम कीजिए ना, मैंने ना गोपाल के लिए चाय बनाई है, तो लीजिए और उसे पिला दीजिए। ये क्या नया नाटक है? बाला भैया, कोई नाटक नहीं है, बस आपको थोड़ी देर पहले लग रहा था ना कि मैं कहीं भीमराव और अपने परिवार के साथ कोई गद्दारी तो नहीं कर रहा हूँ, तो ये उसका प्रमाण है। चाय से कैसा प्रमाण? अगर गोपाल ने आपके सामने चाय पी ली तो समझ लीजिएगा कि आपने भीम के साथ और अपने परिवार के साथ कोई गद्दारी नहीं की। लेकिन अगर गोपाल ने आपके सामने चाय नहीं पी तो फिर आपको जो समझना है समझ लीजिएगा। जो तुम कह रहे हो वो तुम्हें खुद को समझ में आ रहा है? अरे बाला भैया, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? शांत हो जाइए, आप परीक्षा समझ कर चले जाइएगा। अगर गोपाल आपको बड़ा भाई समझता है तो उसको आपके सामने चाय पीने से मना नहीं करना चाहिए ना। लीजिए। भीम, अगर गोपाल ने तुम्हारे हाथ की चाय पी ली तो मेरा शक गलत है। गोपाल,
गोपाल, गोपाल, क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ, ये लो चाय पी लो।